आज जब मैं आया तब कार्यक्रम की शुरुआत हम सब ने रामनाथ गोयनका जी की स्मृति में जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने एक फिल्म बनाया है इससे उसको देखा। फिल्म देखकर जो गोयनका जी के योगदान को जानते हैं वो सभी मानेंगे कि फिल्म बहुत छोटी थी, गोयनका जी का योगदान बहुत बड़ा था। गोयनका जी ने इस देश की पत्रकारिता में बिजनेस और पत्रकारिता को अलग रखने का सबसे पहले अगर किसी ने देश में शुरुआत करी तो रामनाथ गोयनका जी ने की थी और इसके लिए गोयनका जी को हमेशा याद किया जाएगा। कई मौकों पर निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ, किसी भी प्रकार की कटुता के बगैर, आइडियोलॉजी के प्रेजुडिस के बगैर सच बात को जो देश के हित में नहीं है उसको उजागर करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। ढेर सारी व्यक्तिगत कठिनाइयां, उनके बिजनेस पर भी कठिनाइयां आई, सरकार का खौफ कोप दोनों को भोगना भी पड़ा, परंतु वो कभी भी पीछे नहीं हटे। और मैं मानता हूं कि इमरजेंसी के वक्त उनका जो योगदान था और विशेष करकर इमरजेंसी के बाद नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रकवि दिनकर के साथ साथ में लाकर और जो आंदोलन बनाया गया और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जिसने भारत के लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा और पहली गैर कांग्रेसी सरकार देश में अस्तित्व में आई। सरकार किसी भी पार्टी की आए, किसी भी आइडियोलॉजी की आए, इसका महत्व नहीं है, परंतु इमरजेंसी के बाद जनता, अगर आप स्वच्छंद होकर शासन चलाते हो तो दंड दे सकती है जनता, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रामनाथ गोयनका जी की मूवमेंट ने एस्टैब्लिश किया और उसके परिणाम भी आए। और उसके बाद हमारे लोकतंत्र में नेताओं को भी देखने का नजरिया बदला है और लोगों को भी अपने अधिकार की जानकारी हुई है। महात्मा गांधी के आंदोलन से लेकर इमरजेंसी तक हर वक्त देश के लिए कभी भी कुछ करने का मौका आया, चाहे वो 1942 का आंदोलन हो, चंपारण का सत्याग्रह हो, या आपातकाल में प्रतिबंध लगाने की घटना हो, हर वक्त उन्होंने कभी भी निर्भीकता को नहीं छोड़ा और भारत प्रथम ये एजेंडा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मुझे बरोबर याद है, मैं मेरी पार्टी के कई नेताओं से इसको सुना हूं, नाना जी के मुख से स्वयं सुना हूं कि जब इमरजेंसी के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए रामनाथ गोयनका जी और नाना जी दोनों जेपी को समझा रहे थे, जेपी मान नहीं रहे थे क्योंकि उनकी स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था। उनका कहना था कि इस स्वास्थ्य के साथ मैं पूरे देश का दौरा कैसे कर पाऊंगा, और उस वक्त इस जमाने में दौरे भी इतने सरल नहीं होते थे, ट्रेनों से जाना पड़ता था, गाड़ियों से जाना पड़ता, हेलीकॉप्टर विमानों की इतनी उपलब्धता भी नहीं थी और जेपी की तबीयत बहुत नाजुक हो चुकी थी। रामनाथ गोयनका जी, राष्ट्रकवि दिनकर और नानाजी देशमुख तीनों ने जेपी को विनंती की, तिरुपति गए और वहां निर्णय हुआ कि जेपी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और बाद का पूरा घटनाक्रम हम सब जानते हैं। परंतु इतिहास में कुछ पल ऐसे हैं होते हैं, कुछ मौके ऐसे होते हैं जो समय को मोड़ देते हैं। अगर उस वक्त समय दाई ओर बड़ा मुड़ गया तो दाई ओर ही आगे बढ़ता है, समय दाहिनी ओर मुड़ गया, बाई ओर मुड़ गया तो बाई ओर ही आगे बढ़ते हैं। और मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र को सच्ची दिशा में मोड़ने का काम उस वक्त जयप्रकाश नारायण और गोयनका जी और नानाजी देशमुख और विशेषकर राष्ट्रकवि दिनकर ने किया था। ये हम सब ने जो भारत में भारत के लोकतंत्र के प्रशंसक है, चाहने वाले हैं, वो सब ने याद करना चाहिए। मैं आज इस मन से गोयनका जी को बड़े हृदय से और भावुकता के साथ श्रद्धांजलि भी देता हूं और मानता हूं कि इनके योगदान को ये देश
कई सालों तक, कई सदियों तक भुला नहीं पाएगा। जब कभी भी प्रजातांत्रिक संघर्षों का इतिहास लिखा जाएगा, वो गोयनका जी के लिए एक प्रूष्ट, एक चैप्टर सबने रिजर्व रखना पड़ेगा।